ओम साई राम। आइए आज एक बहुत ही सुंदर टॉपिक पर बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये विषय बहुत लोगों के मन में चलता है और बहुत लोगों के सवाल भी होते हैं कि बाबा की भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो मैं आपसे इस बारे में बात ज़रूर करूंगी और आपको मैं एक ही चीज़ कहना चाहूंगी कि भक्ति चाहे किसी भी भगवान की हो, चाहे साईनाथ की हो, श्री रामचंद्र भगवान की हो, भोलेनाथ की हो, कृष्ण भगवान की हो, भक्ति तो एक ही होती है। भक्ति के अलग अलग प्रकार नहीं होते कि कृष्ण भगवान की किसी और तरीके की होती है, बाबा की किसी, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे खुद के विचार हैं कि हम क्या सोचते हैं, क्योंकि भगवान ने तो कभी कुछ नहीं बनाया, सब कुछ सबके लिए एक बराबर बनाया है, लेकिन चीज़ों को बांटा है हमने। हम चीज़ों को उसकी, मेरी, मेरी, उसकी, ये हम करते हैं, भगवान नहीं करते, क्योंकि ईश्वर तो सब में है। मैं जो कुछ भी करता हूँ सब ईश्वर देखते हैं। जो लोग ऐसा अनुभव करते हैं उन्हें कभी पाप नहीं लगता, उनका व्यवहार उचित है। यही तो भक्ति है। जिसके व्यवहार में अभिमान है, कपट है, उसका व्यवहार शुद्ध नहीं, जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं, उसे भक्ति में रुचि ही नहीं होती, उसे भक्ति का आनंद ही नहीं मिलता। क्योंकि भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती कि हम 50 साल के बाद भक्ति करेंगे तब हमें भगवान का, अभी हमें क्या ज़रूरत है भगवान की। जो लोग ऐसा सोचते हैं, मुझे नहीं पता वो लोग सही सोचते हैं या गलत सोचते हैं, क्योंकि उनके नज़रिए में तो वो बिल्कुल सही है कि अभी हमारी क्या उम्र है, अभी हमारे तो खेलने की उम्र है। तो पौधा बचपन से ही लगाया जाता है, एकदम से पौधा बड़ा नहीं होता, उसको सींचते हैं, खाद डालते हैं, तब जाके वो बड़ा होता है। तो जो चीज़ हमें आगे चलकर करनी है उसकी शुरुआत तो हमें करनी पड़ेगी ना। बहुत कई बार क्या होता है, हम दूसरों के चक्कर में खुद का नुकसान कर लेते हैं। दूसरा हमें कहता है अरे छोड़ो यार तुम्हें क्या ज़रूरत है, और हम उसकी बात मानकर आगे बढ़ते हैं उसके कहने पर। मतलब उसका बुरा होगा तो हम भी बुरा देखेंगे, क्यों ना हम, अगर हमारी उससे दोस्ती है। दोस्ती का मतलब ये होता है कि भले हमारी बहस हो जाए लेकिन हम अपने मित्र को गलत रास्ते पर जाने ना दें, ये है दोस्ती। दोस्ती तो वो है जो गलत को भी सही करने में सक्षम हो, अपने मित्र को सही रास्ते पर लाने के लिए जो भी करना पड़े वो करे, ये है दोस्ती। इसलिए अगर आप भी किसी गलत रास्ते पर हों तो अभी भी वक्त है, रुक जाइए और सोचिए कि आप जो कर रहे हैं क्या वो सही है। और हम कर रहे थे बात भक्ति की, तो भक्ति ज़रूरी नहीं है कि मंदिर जाकर ही होती है, भक्ति ज़रूरी नहीं है कि माला का जाप करके ही होती है। भक्ति तो जहाँ बैठो वहीं हो सकती है, जहाँ पर आपका दिल किया भगवान को याद करने का, वहीं याद किया तो वही भक्ति है। रास्ता चलते, गाड़ी में यात्रा करते, दुकान में बैठकर, धंधा करते, हर जगह भक्ति करनी में कोई बुराई नहीं है। भक्त बाजार में भी बाबा का नाम लेता है तो वो भी भक्ति है, क्योंकि उनका ऐसा भाव है कि हमें अपने बाबा के लिए किसी एक स्थान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साईं तो कण कण में है, हर जगह ही साईं है। तो इसलिए बाबा की भक्ति करने के लिए हमें मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। बाबा का नाम लेते लेते घर का काम करो तो वो भी भक्ति है, क्योंकि घर तो भगवान का ही है ना। तो हर जगह भगवान विराजमान है, बस हम नहीं देख पाते उसको। बाबा कहते हैं कि भूखे रहकर भक्ति नहीं की जा सकती। तो जब आप बाबा की बात मानते हो कि पहले मैं खाना खाऊंगा उसके बाद कोई काम करूंगा, तो ये है भक्ति, क्योंकि इस जगह पर आपने बाबा की बातों को माना है। कहते हैं ना, साईं को मानो, साईं की भी मानो। साईं को मानना ठीक है, लेकिन साईं की मानना सबसे बड़ी बात है। तो आपने साईं की मानी, आप बाबा ने कहा कि पहले भोजन करो उसके बाद कुछ काम करो, है ना। बाबा कहते हैं व्रत मत रखो, क्योंकि जब इच्छा तृप्त नहीं है तो व्रत रखने का कोई फायदा नहीं। तो जब आप बाबा की बात मानते हो ना, ये है भक्ति। साईं के रास्तों पर चलते हो, ये है भक्ति। किसी का दिल नहीं दुखाते हो, ये है भक्ति।
कोई भूखा है, आपने अपने में से उसको एक ग्रास भी दे दिया, तो ये है भक्ति। भक्ति वो नहीं है जो चार चार घंटे मंदिर में बैठे रहो। किसने बोल दिया ये भक्ति है? अब कई बार कुछ मतलब कुछ लोगों का प्रश्न था, कुछ माताओं बहनों का प्रश्न था कि हमारे घर पे तो इतने सारे लोग आते हैं, गेस्ट आते हैं, हमें तो भक्ति करने का टाइम ही नहीं मिलता, बाबा के पास बैठने का वक्त ही नहीं मिलता, सारा दिन तो हमारा किचन में चला जाता है, हम खाना ही बनाते रहते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि आपका जो रसोई घर में टाइम लगता है ना, किचन में जो आप टाइम लगाते हो, आपको पता है आप कितने लोगों का भोजन बनाते हो, कितने लोगों को खाना खिलाते हो? तो वो सबसे बड़ी पूजा है, वो भक्ति सबसे बड़ी है। आप बाबा के पास नहीं बैठे ना, लेकिन आपने जिन जिन के अंदर बाबा थे सबको भोजन कराया, तो आपने की ना सबसे बड़ी भक्ति। अरे सबसे ज़्यादा पूजा तो आप कर रहे हो जो बाबा की बात मान रहे हो। इसलिए कभी ये मत सोचो कि अरे मैंने तो सारा दिन खाना बनाते ही चला गया, मैंने तो पाठ नहीं किया, मैंने साईं सच्चरित्र नहीं पढ़ा, मेरा ये नहीं हुआ, बाबा मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। ना, बाबा नाराज़ नहीं होंगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने किसी की भूख को मिटाया। क्योंकि भूख चाहे अमीर की हो, गरीब की हो, इंसान की हो, या पशु पक्षी जानवर की हो, भूख सबकी एक बराबर होती है, और जो भूख को तृप्त करता है उससे बड़ा भगवान दुनिया में कोई नहीं है। और आप अगर आपने पूजा नहीं भी की ना, तो वक्त खाना बनाते बनाते अगर बाबा का नाम भी ले लिया, लोगों को खिला दिया, उन लोगों ने आपको बोला अरे वाह क्या भोजन बनाया, ये सबसे बड़ी भक्ति है, इससे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा? तो कभी भी ये मत सोचे कि आपको भक्ति सिर्फ मंदिर में बैठ के ही हो सकती है, आप चाहो तो हर जगह भगवान है। तो कहने का मतलब है कि आप दिन में कुछ भी करते हो ना, वो सब अपने बाबा से छोड़ दो, अपने भगवान से छोड़ दो, कि आपने सुबह उठकर नहाना है क्योंकि आपको बाबा के पास बैठना है, नहीं भी बैठे तो आपको बाबा के लिए भोजन बनाना है, आपको बाबा को खिलाना है, नहीं पूजा कर पाए तो क्या हुआ, बाबा के लिए भोजन बनाना है, बाबा को खिलाना है, घर साफ करना है, पता नहीं बाबा कब किस रूप में आ जाए, ये है भक्ति। आप घर साफ करते हो क्यों? क्योंकि पता नहीं कब बाबा आ जाएंगे, ये भी भक्ति है। आप अपने परिवार के लिए खाना बनाते हो, उन सबको खाना खिलाते हो, ये भी भक्ति है। और जो मेल हैं वो बाहर जाते हैं, कमाने जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, वो अपने बच्चों के लिए, अपने अपने घर परिवार के लिए पैसे कमाते हैं, उनके बारे में फिक्र करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, घर वापस आते हैं तो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ले कर के आते हैं, बाबा के लिए कुछ ना कुछ ले कर के आते हो, तो ये सबसे बड़ी भक्ति है। आप उनकी फिक्र करते हो, क्योंकि कभी भी किसी की फिक्र करना उसको बहुत पसंद होता है। हमारी जब कोई फिक्र करता है, हमें कितना अच्छा लगता है ना कि वो हमारे लिए सोच रहा है, कोई हमारे लिए कुछ लेकर के आता है, हमें कितना अच्छा लगता है, क्योंकि उसने उस वक्त हमारा ख्याल किया होता है, उसको हमारी फिक्र होती है, कितनी खुशी होती है ना कि उसने हमारे लिए वक्त निकाला। तो इसी प्रकार जैसे कोई हमारे बारे में जब सोचता है तो हमें खुशी होती है, भले वो हमारे पास बैठे ना बैठे, भले वो हमसे बात करे ना करे, लेकिन जब फिक्र करता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही बाबा भी सोचते हैं, भले आप बाबा के पास बैठो ना बैठो, लेकिन बाबा के बारे में सोचते हो ना, उन्हें सब पता लग जाता है। हमें तो नहीं पता लग पाता ना कि कौन हमारे बारे में सोच रहा है, हमें तो जब वो बताता है तब पता लगता है, जब वो करता है तब पता लगता है, लेकिन साईनाथ आप सोच लेते हो ना, उनको खबर हो जाती है कि मेरे भक्त ने मुझे याद किया है, मेरे भक्त ने मेरे लिए ये सोचा है। बस इसी तरह प्यार करते रहो, बाबा आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिल जाएंगे, लेकिन सच्ची भावना के साथ। हमें साधु महात्मा नहीं बनना है, हम जैसे हैं बाबा को वैसे ही मंजूर हैं, ठीक है? आगे से इतना सोचिए मत, बस प्यार कीजिए अपने बाबा से जिस तरह आपको अच्छा लगता है। आप घर सजाते हो, मंदिर सजाते हो, सबसे बड़ी पूजा है। आप भोग लगाते हो, सबसे बड़ी पूजा है। दो मिनट निकाल कर अपने बाबा के लिए जो भी करते हो ना, सबसे बड़ी भक्ति है। तो क्या हुआ अगर माला नहीं फेरते, तो क्या हुआ अगर चार चार घंटे नहीं बैठते? लेकिन आप सबसे बेस्ट हो, अपने बाबा के सबसे प्यारे बच्चे हो। तो इसी तरह साईनाथ को प्यार करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो
तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता कर जाइएगा। आगे साईनाथ सबका भला करें, यही हमारी साईं चरणों में प्रार्थना करते हुए आज का ये वीडियो हम यहीं पर छोड़ते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साईं राम, जय साईं राम। अपना ख्याल रखिए।